झरिया में कोयले के अवैध कारोबार में वर्चस्व और रंगदारी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए। घटना सुदामडी थाना क्षेत्र के पाथर डी मोहन बाजार क्षेत्र की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और कहा है कि बहुत जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कल सुदामडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोको बाजार में दो पक्षों के बीच में कुछ मारपीट की घटना चली है जिसमें कुछ फायरिंग की भी बात सामने में आई है। इसका अनुसंधान चल रहा है। कौन कौन से लोग थे दो पक्षों के? अब इसमें कुछ ठेकेदारी का भी कुछ विवाद आ रहा है। ये निहाल गुट और ये निहाल रवानी और ये धीरा सिंह का, ये लोग का भी आ रहा है। कुछ ठेकेदारी का विवाद है, कुछ अन्य विवाद भी है इन लोग को लेकर। उसी घटनाक्रम में ये घटना घटी है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी छापामारी चल रहा है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। यहाँ पे गोलीबारी हुई है कब? यहाँ इससे पहले भी यहाँ पे एक बार और लड़ाई हुई थी, गोलीबारी हुई थी। तो उसमें भी कांड दर्ज करके कार्रवाई की गई है। कुछ लोग उसमें भी जेल गए हैं। जो कार्रवाई, जो घटना घटी है उस पर कार्रवाई हुई है। सर, और घायलों की क्या स्थिति अभी ताजा है? घायल में से तीन लोगों को गोली लगी थी, एक साथ डेथ कर गए हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम अब अलग अलग प्रखंडों में किया जा रहा है और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। दूसरे चरण के दौरान आज बागमारा के सिंडी पंचायत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि धनबाद डीसी संदीप सिंह और विशिष्ट अतिथि धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह उपस्थित हुई। बागमारा BDO सुनील कुमार के साथ ही कई और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हुई और कई काउंटरों का इन्होंने निरीक्षण भी किया है। मंच संबोधन के दौरान DC ने कहा कि ये एक ऐसा शिविर है जिसमें तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, खासकर सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो जानो योजना, पशुधन से जुड़े हुई जो भी जानकारियाँ हैं और इसके जो नियम है, इससे यहाँ के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग पूरे धनबाद जिले में दो चरण में, 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पहले चरण में और 1 नवंबर से 14 नवंबर तक दूसरे चरण में सभी पंचायतों में कैंप लग रहे हैं। शहरी क्षेत्र में जो वार्ड्स हैं वहां पर कैंप लग रहे हैं और उसी कड़ी में आज यहां बागमारा प्रखंड में सोनीडीह पंचायत में आए हुए हैं। इस बार के अभियान में कुल 15 अलग अलग विभागों की योजनाएँ हैं जिनको फोकस स्कीम के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें सावित्रीबाई फुले किशोरी शक्ति योजना जिसके तहत 8 से 12 वर्ग की जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं और उसके बाद जब वो स्कूल पास आउट होके 18-19 वर्ष की उनकी आयु होती है और एज ए वोटर इनरोल करते हैं तो हर साल में एक निश्चित राशि उनको दे है। शुरू में वो 2,500 है प्रतिवर्ष है, बाद में वो 4,000 अमाउंट है। तो उस विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में आजसू छात्र संघ ने नामांकन संबंधी शिकायतों को लेकर प्रदर्शन किया। आजसू छात्र संघ ने बताया कि PG की पहली नामांकन सूची में ऐसे सैकड़ों छात्रों का नाम आया है जो अभी BEd सत्र 2020-22 में है, जिनका कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है। वैसे छात्रों के पास अभी वर्तमान में CLC और माइग्रेशन प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में इनका नामांकन नहीं लिया जा रहा। इस मामले को लेकर 5 नवंबर को नामांकन सेल की बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। मांगे नहीं माने जाने पर विश्वविद्यालय में तालाबंदी से लेकर राजभवन तक जाने को सभी छात्र तैयार हैं। उनका एडमिशन कैंसिल करके अभी वार्ता में हम लोग भाषण से बात हुई, उन्होंने बोले की आपके मांगों को हम लोग चर्चा करेंगे और जो जूलॉजी बॉटनी का मामला है उस पे BC सर का निर्देश हो चुका है, इसलिए ये BC सर ही करेंगे। तो हम सभी ने ये मामले को पिछले कई दिनों से मांग को रखा है और अब हम लोग पानी सर से ऊपर उठ चुका है। सभी छात्र मिल करके हम लोग आगामी 12 तारीख को हम लोग विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे अपनी मांगों को लेकर। हमारी सारी मांगे जायज है, इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। भाई बात है कि जब ये एडमिशन लिए थे उस समय इनको पता था यहाँ पर सेशन लेट चल रहा है, तो अब अगर हम लेट ट्रेन में बैठ रहे हैं तो हम लोग कोशिश ही न कर सकते हैं। इसमें हम अफसोस भी जाहिर कर सकते हैं कि भाई हमारा सेशन लेट है और हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि इनको बिना क्लास कराए इनका एग्जाम ले लें। क्लास भी करवाना है, एग्जाम भी लेना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सेशन इन लोगों का जो लेट है वो रास्ते पर आ जाए। अब है लेट तो उसका आप क्या कर सकते हैं, अब उसकी कुछ तो नुकसान इनको जरूर है, इसमें हम भी